अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शादी की तैयारियां शुरू करो, इतने कम टाइम में शादी की तैयारियां होंगी कैसे, समझ नहीं आ रहा हमें। तो अब सब सोच लिया हो तो हम लोग शादी के लिए तैयार हो जाएं। अब हमारे दूल्हे लाचा तैयार है। अच्छा, इधर आओ हमारे शैतान बेटा, इधर बैठा। और हमें ये बताओ, हम आपकी माँ के लिए जो गिफ्ट लेके आए हैं वो कैसा लग रहा है? वाओ, क्या हुआ, अच्छा नहीं है क्या, इतना सोच रहे हो क्या? आज माँ का बर्थडे है। अरे नहीं बुद्धू, गिफ्ट सिर्फ बर्थडे वाले दिन थोड़ी ना देते हैं, वो तो किसी भी स्पेशल दिन दे सकते हैं। और आज आपकी माँ की और हमारी शादी है, तो हम आपकी माँ के लिए वो लेके आए हैं जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। क्या? सोना। सोना? तो मुझे भी सोना देना पड़ेगा। एक बात बताओ हमें, हम तो आपकी माँ को दे रहे हैं, आप किसको दोगे? जिससे मैं शादी करूंगा। शादी अभी से? अभी तो हमारे शिव के दांत भी अच्छे से नहीं आए और शादी की बात कर रहा है। एक बार आपके दांत आ जाए, जिसमें बहुत टाइम है अभी, इसके बाद फिर हम अपने शिव के लिए लड़की ढूंढेंगे, ठीक है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम ये लड्डू तो खाओ कृष्णा, फिर देखना तुम्हारी बर्बादी कैसे शुरू होती है। बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैडम, ये मोती चूर के लड्डू बनाए हैं आपके लिए, बहुत स्पेशल है, खा के देखिए। हाँ हाँ, खिलाओ इसे मीठा, आज के दिन तो मीठे से मुंह भरा रहना चाहिए है। ला, हम खिलाते हैं। बहुत पसंद है ना लड्डू, ले खा। बस कुछ ही समय में ये खुशियां मातम में बदल जाएंगी। शादी की जगह बर्बादी होकर रहेगी।
बस कुछ ही समय और फिर इन खुशियों को मातम में बदल देंगे। मेरे 1% लड्डू चले गए थे ना, मैं सबको बता दूंगा कि आप क्या पढ़ो। नहीं 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 शेफ, क्या कर रहे हो शेफ? बीबी आप ऐसे हमसे क्यों डर रहे हो? हमारा बच्चा। नहीं 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 नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। इतने नफरत क्यों करते हो बेबी? आप हमसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हो अपनी मम्मा से? गौरी कहते हो ना आप हमें? हम आपकी गौरी हैं, आपकी माँ है, आप हमारे बच्चे हो। अब आपको पता है जो कुछ भी हुआ था ना, वो सबको जानबूझ के किया था सारे घर वालों ने, हमें फंसाने के लिए। हमें गुस्सा दिलाया था कि जानबूझ के आपके सामने हम कृष्णा के साथ वो सब करें, हम आप ऐसे नहीं है। सुनो ना, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं शेफ, कोई नहीं चाहता कि हम दोनों साथ में रहें, पर आप तो चाहते हो ना। आप क्यों नहीं हमारे साथ रहना चाहते? क्या हम इतने बुरे हैं? आप बहुत बुरे हो, आपके पास नहीं रहना है। नहीं शेफ, रुको, सुनो हमारी बात। यहाँ चलो हमारे साथ। नहीं शेफ, चलो, छोड़ो मुझे। फेरे के लिए खड़े हो जाइए। जिसमें जब मिलता है इश्क, कहाँ मिल तब होता है। मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरे सुख हो चाहे दुख, जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ कृष्णा, हमारे परिवार पर कोई भी मुसीबत आ जाए, हम सबसे पहले ढाल बन के खड़े रहेंगे, हमेशा सब लोगों की रक्षा करेंगे, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम।
ये वचन है हमारा तुमसे। अभी तो शिव भैया यही थे, तो कहाँ गए? सांस लेना भी गवारा नहीं है हमें। तुम्हारा हाथ छोड़ने से पहले हम मौत को गले लगाना पसंद करेंगे कृष्णा। नहीं जी, इतनी शुभ घड़ी पे ऐसी अशुभ बात नहीं करते, ऐसा मत कहो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं जी, और आजीवन हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे, ये वचन देते हैं हम तुम्हें। माफ कर देना शिव, आपके साथ हम ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन और कोई चारा नहीं है इस वक्त हमारे पास। पर हम जो कर रहे हैं उसमें हम सबकी भलाई है, आपको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। एक परिवार की फोटो आ जाए ना। अरे बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। यहीं कहीं खेल रहे होंगे। गोपी, शिव, हम देख कर आते हैं। गोपी, क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पर? हाँ दादी माँ, हम शिव भैया को ढूंढने आए थे। वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं फोटो खींचने का। पर दादी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि शिव भैया यहीं कहीं है? नहीं बेटा, वो कहीं और खेल रहा होगा। चल जल्दी चल, है सब इंतजार कर रहे हैं। चल हम आपकी माँ है और आप हमारे बेटे हो, और अब आप वही करोगे जैसा हम आपसे कहेंगे। गोपी तो आ गई। अम्मा जी, शिव कहाँ रह गया? हमें तो लगा आ गया होगा, वहाँ देखा हमने, कहीं भी नहीं था। हम भी भैया को ही ढूंढ रहे थे दादी, पता नहीं कहाँ चले गए। वो रहे शिव भैया,
हम उन्हें बुलाते हैं। शिव भैया इधर आओ, फोटो लेनी है। शिव भैया आप कहाँ गए थे? कितनी देर से ढूंढ रहे थे हम सब आपको। बेटा ये बातें सब बाद में हैं, पहले एक अच्छा सा फोटो खिंचवा लो। ठीक है। क्या बात है, आज तो हमारी दुल्हन चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर हम यूं कहें कि खुद चांद जमीन पे उतर आया है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब हमें एक बात बताओ, क्या अब हम अपने चांद का दीदार कर सकते हैं या फिर हमें आज उसे ऐसे ही घूंघट की आड़ में देखना पड़ेगा? हमारा जी तो कर रहा है जीत कि हम तुम्हें जीवन भर ऐसे ही घूंघट की आड़ से देखते रहे। अगर देखना ही है तो घूंघट की आड़ से क्यों? तुम हमें डायरेक्ट भी तो देख सकती हो। बात कहें कृष्णा, आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अपनी आंखें बंद करो ना एक बार। पर क्यों कृष्णा, तुम सवाल बहुत पूछते हो, करो आंखें बंद। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दो से नए नाम मिलाए के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे बाबा आंखें बंद प्लीज। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये तो तुमने इसमें हमारी पूरी दुनिया ही समेट दी। इसे हम हमेशा हमेशा अपने पास रखेंगे। जानते हो तुम हम तीनों की जिंदगी हो और तुम हमारी। आ जाने कृष्णा, बहुत खुश हैं हम।
ऐसा लगता है कि जमाने भर की खुशियां हमें एक साथ मिल गई हो। हमारे दोनों बच्चे, तुम्हारा साथ, और क्या चाहिए हमें? अब अगर हमें मौत भी आ गई ना तो हमें गम नहीं हो। इतनी शुभ घड़ी में ऐसी बातें नहीं करते, और तुम कसम खाओ हमारे, आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं करोगे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे, वादा करो हमसे। अच्छा ठीक है, ये रहा हमारा पक्के वाला वादा। अब बस बात बजे ये लड्डू खा लेना, कुछ ही समय में ये खुशियाँ मातम में बदल जाएंगी। अरे भैया हमें भी दो ना, ना आप थोड़ी ना खा सकते हो, हमें भी खिलाओ। ये शिव ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है?